Assalamu alaikum and welcome to my page and channel, Nana Salim's lecture. Lecture number one, carbohydrate, we have carbohydrates ki kuch properties ko classification ko discuss kiya tha. Carbohydrate ko classify kar diya tha into three classes, monosaccharides, dioligosaccharides, polysaccharides. Inki properties humne ki thi, dosage sugar kya hoti hai, unhe discuss kiya tha. Aur kis tarike se monosaccharide ko carbon atom ke according humne क्लासिफाई किया था, इसे भी डिस्कस किया था। जनरल प्रॉपर्टीज हमने ओलिगो एंड पॉली की डिस्कस की थी और उसके बाद हमने बात खत्म की थी होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटरोपॉलीसेक्राइड। आज हम यहीं से शुरू करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। होमोपॉलीसेक्राइड हेटरोपॉलीसेक्राइड डिटेल में लेक्चर इसके हैं जो कि अपकमिंग एक्सपेक्टेड हैं और वहाँ पर इन्हें डिस्कस किया जाएगा। यहाँ जस्ट इनका इंट्रोडक्शन है तो आपकी नॉलेज के लिए बताती चलूँ। होमोपॉलीसेक्राइड नाम से शो हो रहा है, होम मीन्स होता है सेम, यानी वो पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल होंगे, वो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे जो कि मिल करके बने होंगे सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, मेरे पास एक पॉलीसेक्राइड है और ग्लाइकोजन, यू नो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन एंड स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। तो ये जो स्टार्च और ये जो ग्लाइकोजन है ये पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल्स हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं और ये मिलकर बने हैं मोनोसेक्राइड से। तो अब ये इन हमने जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये पॉलीसेक्राइड यानी ग्लाइकोजन और मैं स्टार्च की जो बात कर रही हूँ ये सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बने, मींस ग्लूकोज से मिलकर बने, कोई दूसरा मोनोसेक्राइड इनके साथ मिक्स नहीं हुआ, कंबाइंड नहीं हुआ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब एग्जाम्पल्स थी और भी बहुत सारी हैं बट ये डिस्कस की थी मैंने, ये एग्जाम्पल्स थी मोनोसेक्राइड की। तो यहाँ ऐसा होमोपॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जो सिंगल टाइप ऑफ, सेम टाइप ऑफ, एक ही तरह के मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हेटरोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर से मिलकर बने हो, मीन्स उसमें ग्लूकोज भी होगा, हो सकता है उसमें फ्रक्टोज भी हो सकता है उसमें कोई दूसरा मोनोसेक्राइड भी हो या कुछ डेरिवेटिव्स भी हों शुगर्स के ना, तो उनसे मिलकर बने, मिक्सचर जहाँ पे हो जाए, डिफरेंट टाइप जहाँ पे आ जाए यूनिट्स की, मोनोसेक्राइड्स की, अदर डेरिवेटिव की, तो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स लार्ज जो एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है उस तरह के मॉलिक्यूल को हम हेटरोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। यहाँ तक आपका जानना इतना ही नफे, डिटेल इंशाल्लाह हम इसको आगे करेंगे। नेक्स्ट यू हैव एल आइसोमर एंड डी आइसोमर। क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इसको लेकर, एल आइसोमर और डी आइसोमर को लेकर के। बहुत ईजी है और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनेंगे समझेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए आपके सामने दो स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद हैं और गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर है। गैलेक्टोज क्या है, यू नो दिस वेरी वेल कि गैलेक्टोज एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड, और कौन से मोनोसेक्राइड की, यह एक्सोस में आता है क्योंकि हैविंग सिक्स शुगर, हैविंग सिक्स कार्बन, ये सिक्स कार्बन वाली शुगर है। अब यहाँ इस गैलेक्टोज को अगर हम और से देखें, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव एंड कार्बन नंबर सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स कार्बन ही आपको मिलेंगे। सिक्स कार्बन है, ट्वेल्व हाइड्रोजन है एंड सिक्स ऑक्सीजन है। दोनों जगह सिमिलैरिटी आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दी गई, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिला। बट आपने गौर किया कि एक को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डी गैलेक्टोज और दूसरे के गैलेक्टोज से पहले यहाँ लिखा हुआ है एल। वाई डी और एल क्यों लिखा गया है, आप कब डी और आप कब एल लिखोगे और ये होते क्या है। देखिए हमें जो भी मॉलिक्यूल गिवन है शुगर, जो भी गिवन मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, हम इसमें सेकंड लास्ट कार्बन को देखेंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन को क्यों देखेंगे, आपको एक चीज़ आपने स्टडी की होगी, एनोमेरिक कार्बन आपको पता होगा, बता देती हूँ क्या होता है। कार्बन की एक ब्यूटी होती है, वो टेट्रावेलेंट होता है, मींस वो चारों साइड से बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्डिंग सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये अपने जैसे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और ये चारों ग्रुप, अभी यहाँ पे तो आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कार्बन है, पॉसिबल है कि ये चारों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कोई चौथा कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कार्बन को जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है हम कायरल कार्बन कहेंगे, एसिमेट्रिक
पोजीशन हो गई ना उसके, भी एसिमेट्रिक कंडीशन हो गई है। क्यों एसिमेट्रिक का कायरल क्यों कहा? क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। अगर चारों ग्रुप सिमिलर होते तो फिर मैं उसको सिमेट्री कहती, ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन है, यानी वो ए कायरल हो गया, अब वो कायरल नहीं है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप इस कार्बन को स्टडी करो, इस कार्बन को स्टडी करो, तो सिमिलर ग्रुप आ जाते हैं। मींस कैसे, सपोज कर लीजिए ये एक कार्बन आपके पास है, इस कार्बन ने सबसे पहला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और ये कार्बन ओके बॉन्ड नंबर वन हो गया। अब बॉन्ड नंबर टू इस कार्बन ने यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफर करता है उस कार्बन से, ठीक है, डिफरेंट हो गया। तीसरी जगह यहाँ पे फिर उसने इस कार्बन ने कार्बन नंबर थ्री के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप नोटिस करिए कि कार्बन नंबर यहाँ इस कार्बन ने जो कार्बन नंबर वन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन दोनों हो गए सिमिलर। तो तभी ये जो सेंटर में कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ग्रुप सिमिलर हो गए, वहाँ ऊपर भी कार्बन और यहाँ नीचे भी कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, हाइड्रोक्सिल डिफरेंट है, बट ये दोनों सेम हो गए, तो अब ये लॉस कर गया, अब ये ए कायरल है, कायरल नहीं है, ठीक है। ए कायरल कब है? जब दोनों ग्रुप कम से कम दो ग्रुप सिमिलर हो जाए, और अगर चारों भी सिमिलर हो गए तब भी वो ए कायरल ही रहेगा। कायरल होने के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि इस सेंटर कार्बन के साथ जो चार ग्रुप अटैच हैं वो चारों डिफरेंट हों। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते चले गए तो हमें सेकंड लास्ट कार्बन ऐसा कार्बन मिला जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट थे। यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट है, किसके साथ? इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। और यहाँ थर्ड बॉन्ड इसने इस पूरे ग्रुप के साथ बनाया हुआ है जो कि हरगिज मैच नहीं करता पिछले दोनों ग्रुप के साथ। और फोर्थ यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो अब हमें पता चला कि सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। तो अब हम इस कार्बन को फोकस करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड लास्ट कार्बन को हमने देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन किस तरफ है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे? जब हमने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, राइट साइड पे है, तो हमने लिख दिया डी गैलेक्टोज। इन केस सेकंड लास्ट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजिशन राइट के बजाय, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो आप लिख देंगे एल गैलेक्टोज। इस तरीके से हम डी गैलेक्टोज इसे कहते हैं और इस मॉलिक्यूल को एल गैलेक्टोज कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को डिफाइन किया जा रहा होता है। तो ये दोनों डी गैलेक्टोज एल गैलेक्टोज अब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज आइसोमर्स। वॉट आर दीज? दीज आर आइसोमर्स। तो इससे मैं कह दूंगी डी आइसोमर है, और ये कौन सा आइसोमर है? ये एल आइसोमर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आइसोमर हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। मैं मजीद इसके बारे में थोड़ी और बात करना चाहूँगी यहाँ पे दूसरे एग्जांपल के साथ। आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है डी ग्लूकोज, इसको डी क्यों कह रहे हैं? अब आप जल्दी से देखेंगे, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ये रहा सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने देखा वो राइट साइड पे है, तो इसीलिए हम इसको डी ग्लूकोज कह रहे हैं, हैविंग सिक्स कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। अब इस डी ग्लूकोज को हमने यहाँ पे देखा, तो एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है, वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C6H12O6, और सेकंड लास्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन हमने देखी वो लेफ्ट साइड पे है, तो हमने इसे कह दिया कि एल ग्लूकोज। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए, वो डी आइसोमर है और ये एल आइसोमर है। अब ये जो आइसोमर होते हैं ना, ये डी और एल, यहाँ पे हमने जो और एक चीज़ देखी वो ये देखी कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे? सपोज कर लीजिए, ये समझाने के लिए है, हम मिरर रखते नहीं है, बट आपको समझाने के लिए सपोज कर लीजिए आप अपनी सेल्फी लेते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो चीज़ आपके राइट साइड पे होती है वो सेल्फी में आपके पिक्चर में लेफ्ट साइड की तरफ आ जाती है। तो अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है डी ग्लूकोज, आप अगर इसकी मिरर इमेज देखें, ये बीच में से मिरर कंसीडर करें, तो जो कुछ यहाँ राइट साइड पे था उस तरफ देखिएगा वो लेफ्ट साइड पे चला गया। यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड की तरफ था, यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ जा चुका है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे था, वहाँ लेफ्ट पे चला गया। और ये सेकंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे था, वहाँ लेफ्ट साइड पे चला गया, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमने कहा भाई ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज हमें मालूम होते हैं। तो ऐसे शुगर्स, ऐसे आइसोमर्स, ऐसे शुगर्स मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, हम उसको इनैंशियोमर्स कहते हैं।
अब एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे कि डिफाइन कीजिए एनेंटियोमर्स, तो आप कहेंगे शुगर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नोन एज एनेंटियोमर्स। ठीक है जी, इससे आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड को देख लीजिए। अगर ग्लिसरेल्डिहाइड मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन पे कंसिस्ट होता है ये शुगर मॉलिक्यूल। हमने सेकंड लास्ट कार्बन को देखना है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को देखना है। राइट साइड पे है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्लिसरेल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ लिखा हुआ है एल ग्लिसरेल्डिहाइड। और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और मॉलिक्यूल है डी एराइथ्रोस एंड एल एराइथ्रोस। अब आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर डी क्यों लिखा है, आंसर आप कर सकते हैं सेकंड लास्ट कार्बन की लोकेशन को देखकर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन को देखकर। यहाँ पे भी सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन को देखकर आपने बता दिया है कि ये क्यों इसे हम एल कह रहे हैं और उसे क्यों हम डी कह रहे हैं। न्यू टॉपिक एक आप शुरू करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? सपोज कर लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है, आपने उसमें डिफरेंट शुगर्स डाली हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है आपके पास, ये एराइथ्रोस है आपके पास, ग्लिसरेल्डिहाइड है आपके पास, गैलेक्ट्रोज है आपके पास। अब आपने उस सोल्यूशन में इन शुगर्स को ऐड किया हुआ है, क्या किया आपने, आपने बीम ऑफ पोलराइज लाइट पास की, ठीक है। जैसे ही आप किसी सोल्यूशन में बीम ऑफ पोलराइज लाइट पास करोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शुगर्स जो है वो शो करेंगी। किस तरीके से शो करेंगी, वहाँ पे कुछ आइसोमर्स होंगे जो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बीम ऑफ पोलराइज लाइट है ये उनको स्टिमुलेट करेगी, रोटेट करने पे मजबूर करेगी। वो रोटेट होंगे, किस तरफ रोटेट होंगे, या तो वो राइट साइड पर होंगे या तो वो लेफ्ट साइड पर होंगे। देखें इसको हम, इस रोटेशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। अगर वो शुगर मॉलिक्यूल राइट साइड पे रोटेट होता है तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे और डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन केस वो लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा है तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम उसको एल कहेंगे। तो डी और एल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करते हैं, पोजेस करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को, करेक्टरिस्टिक को लेकर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इस दफा आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज कर लीजिए ये है वो सॉल्यूशन जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने दो तरह की शुगर डाल दी। आप तो समझ लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 5 का मैंने एक का ग्रुप बना दिया और 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप ने क्या किया, ऐसी शुगर इसमें डाली जो डी आइसोमर, आइसोमेरिक फॉर्म में होती थी, जिनका यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो राइट साइड पे हुआ करता था। कुछ ने क्या किया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बजाय लीवो रोटेटरी डाल दी। अगर इस ग्रुप ने 50 शुगर डाली है तो इस ग्रुप ने भी क्या किया, 50 ही डाल दी। अब क्या होगा, अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, रेसमिक मिक्सचर क्या है, अब जब इसमें सेम वही प्रोसीजर के जब बीम ऑफ पोलराइज लाइट पास की जाएगी और हम उम्मीद करेंगे कि ये सॉल्यूशन एग्जिबिट करे ऑप्टिकल एक्टिविटी और हमें पता चले कि किस तरफ रोटेशन हो रही है, तो वो रोटेट नहीं होगा, वो किसी भी किस्म की ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। वाई? क्योंकि देखिए इस ग्रुप ने जितनी शुगर्स डाली थी डी आइसोमर वाली और यहाँ इस ग्रुप ने भी जितनी शुगर डाली थी एल वाली, तो वो इक्वल कंसंट्रेशन में थी। अब जब डी वाली राइट की तरफ जाती थी तो एल वाली उसको जाने नहीं, वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो वो आपने फोर्स का भी एक फॉर्मूला वगैरह आसान लफ्जों में या छोटी सी एक निशानी के बताने के लिए कि अगर आपको कोई राइट साइड से खींच रहा है और अगर आपको फोर्स आप पे अप्लाई कर रहा है, कोई लेफ्ट साइड से भी अप्लाई कर रहा है, तो आप बीच में ही रहोगे, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगी। ये जस्ट एक समझाने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है किसकी, डी एन एल आइसोमर की, तो हम इसको रेसमिक मिक्सचर या डी एल मिक्सचर भी कहते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करता, यानी किसी भी साइड पर लेफ्ट या राइट पर रोटेशन शो नहीं करता। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ के देख लीजिएगा। रेसमिक मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 एनेंटियोमर्स, दोनों इक्वल अमाउंट में यहाँ पे आपने देखा है कि पाई जा रही है शुगर्स, और इक्वल क्वांटिटीज होती है डी और एल एनेंटियोमर्स की। कोई नोटेशन हम कैसे करते हैं, डी और एल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्लस आपको पता है डी के लिए, माइनस आपको पता है एल के लिए यूज हो रहा है, और किसी भी किस्म की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं हुई। और ये जो मिक्सचर है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है डिफरेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है एनेंटियोमर का आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहा होता है। नाउ यू हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज एपिमर। एपिमर्स क्या होते हैं? अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है
ग्लूकोस, फ्रक्टोस, मैनोस, गैलेक्टोस, ये सब क्या है? आप ग्लूकोस का फॉर्मूला देखो C6H12O6, आप गैलेक्टोज का फॉर्मूला देखो C6H12O6, आप फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखो वही फॉर्मूला है C6H12O6, तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। आप मैनोस को देखो तो वही फॉर्मूला है C6H12O6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सबका सेम मिल रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहते हो भाई ये व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर दीज शुगर मॉलिक्यूल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जैसे एक ही पेरेंट्स के घर में चार बच्चे हैं, लेट सपोज उनके हैं तो वो उसी पेरेंट्स के ना, बट उनकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं, वो उन्हीं पेरेंट्स से कर रहे हैं, आपस में सब एक दूसरे के बहन भाई, बट उनकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। तो बस एपिमर्स भी वही चीज़ है। देखें जो फॉर्मूला ग्लूकोज का है वही फॉर्मूला गैलेक्टोज का है, बट फर्क क्या है दोनों में? आप यहाँ पर जो डिफरेंस देखेंगे वो ये डिफरेंस देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको और बताऊं, सेकंड लास्ट कार्बन को आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, आपने इसे डी ग्लूकोज कह दिया। अब आपने यहाँ देखा सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये भी राइट साइड पे है, तो क्या करेंगे अब आप इसे डी ग्लूकोज कहेंगे? नहीं, आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? सेकंड लास्ट कार्बन से ऊपर वाला जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ राइट साइड पे, जबकि इस मॉलिक्यूल में, इस शुगर मॉलिक्यूल में जो ये कार्बन है सेकंड लास्ट कार्बन से ऊपर वाला, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। पूरा मॉलिक्यूल जो है उसमें जो अरेंजमेंट है एटम की सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, इवन सेकंड लास्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन भी सिमिलर है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक कार्बन पे आ रहा है, और वो जो स्पेसिफिक कार्बन है वो अदर देन एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन तो ये होता है ना सेकंड लास्ट कार्बन, तो एनोमेरिक कार्बन पे अगर फर्क आता तो फिर तो आप इसको क्या कहते हैं, फिर तो आप इसको वो आइसोमर कह देते हैं ना, डी आइसोमर और एल आइसोमर कह देते हैं ना। फिर आप देखिएगा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो यही आ रहा था ना, कि राइट साइड पे है तो आपने डी ग्लूकोज कह दिया, और अगर लेफ्ट पे तो आपने एल ग्लूकोज कह दिया। बट यहाँ पे आप नहीं कहोगे कि ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज है, क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वहां पे भी राइट पे, यहाँ पे भी राइट पे, तो अब हम क्या करें? अब हम इसको ग्लूकोज तो डी ग्लूकोज तो नहीं कह सकते, तो फिर ये एक दूसरे के एपिमर हुए। क्यों एपिमर हुए? क्योंकि एपिमर के डेफिनेशन हमें मालूम है, इफ टू मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड है C6H12O6, वो भी मोनोसेक्राइड है C6H12O6, डिफर फ्रॉम ईच अदर, हाँ एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कहाँ, किस जगह पे? इन देयर कॉन्फिगुरेशन, अपने कॉन्फिगुरेशन को लेकर, यानी अरेंजमेंट को लेकर डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट है वो ना, डिफरेंस शो कर रहे हैं। और वो कहाँ पे, किस पॉइंट पे है? वो एनोमेरिक कार्बन को लेकर, यानी ये वाला जो कायरल कार्बन है इसको लेकर, इसको छोड़कर किसी दूसरे कार्बन को लेकर है। अब आपने देख लिया ये सब जो है वो कायरल नहीं है, तो यहाँ पे इस कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो हमने इसे कह दिया कि ये एक दूसरे के एपिमर्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा ग्लूकोस है, गैलेक्टोस है और मैनोस है। मैनोस का फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6। तो अब इसमें यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन पर राइट साइड पे, सेकंड लास्ट कार्बन पर राइट साइड पे, सेकंड लास्ट कार्बन पर राइट साइड पे, ये तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है ना, वरना हम तो सबको डी ग्लूकोस कह देते। क्यों नहीं डी ग्लूकोस कहा? क्योंकि डी ग्लूकोस में जो कार्बन नंबर, यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड लास्ट कार्बन से जो ऊपर है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, और यहाँ देखिएगा लेफ्ट पे चला गया, वहाँ राइट पे गया ग्लूकोस कहने लगी, बट फर्क आ गया। क्यों ग्लूकोस नहीं है? क्योंकि ग्लूकोस के यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे, बट उसका तो राइट पे है ही नहीं, उसका तो लेफ्ट साइड पे है, तभी ये ग्लूकोस भी नहीं हुआ, ठीक है, और ये गैलेक्टोज भी नहीं हुआ, तो इसे हमने नाम दे दिया ये मैनोज है। एपिमर्स एक दूसरे की क्या नहीं होती? एपिमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती। उम्मीद है एपिमर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ये है डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं हम इसको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको एपिमर्स समझ में आ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। ऐसे शुगर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज लाइक एपिमर नहीं होंगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम, क्यों बना, ये क्या है? अब इसको गौर से देखिएगा। यू नो दिस वेरी वेल दैट एराइथ्रोज, दिस टर्म बी यूज फॉर शुगर हैविंग फोर कार्बन,
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। चार कार्बन वाली शुगर को हम राइथ्रोज कहते हैं। कौन सी राइथ्रोज है? सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे, तो ये होगा डी राइथ्रोज। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी शुगर है और इसके भी सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, तो डी कह दिया। और इसमें भी 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर भी डी राइथ्रोज और यहाँ पर भी डी राइथ्रोज ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो मिरर इमेज नहीं हुआ एक दूसरे की। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता तो फिर मैं इसे मिरर इमेज कहती और मैं कह देती ये एल राइथ्रोज है। तो अब ये जो शुगर है फिर ये कौन सी शुगर होगी? ये एल आइसोमर तो नहीं है, यानी ये एल राइथ्रोज तो नहीं है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता तो फिर वो एल राइथ्रोज मैं कह सकती। तो अब इस शुगर को मैं क्या कहूंगी, ये शुगर है थ्रियोज। क्यों? जैसे अभी आपने एपिमर को स्टडी किया, ऑलमोस्ट वही चीज है। यूज टू रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। डायस्टीरियो आइसोमर तो फिर हमने यहाँ एपिमर में क्यों खत्म नहीं कर दिया इसे, हमने ये न्यू डायस्टीरियो आइसोमर अभी हम ये न्यू टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली वहां बात हुई है वो ये हुई है कि ये डिफर करेंगी मोनोसैकेराइड शुगर कॉन्फिगरेशन पे अराउंड स्पेसिफिक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे। यहाँ जो बात हुई है वो कोई खास एक स्पेसिफिक कार्बन होगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक कार्बन को लेकर बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने इस स्पेसिफिक कार्बन को देखा था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो फर्क आया था, बट यहाँ ओवरऑल अरेंजमेंट की बात हो रही है। यहाँ किसी भी कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है, तो उसको हम डायस्टीरियोमर्स कह देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक इसको हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे होगा और उसमें हम अल्फा और बीटा एनोमर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पेज को, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।